टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ये साल 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की पहली जीत है। इससे पहले भारत को साउथ अफ्रीका में इस साल 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों में हार झेलनी पड़ी थी। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 43.5 ओवर में 176 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 28 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। युजवेंद्र चहल ने 4 और वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए। युजवेंद्र चहल ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए। इसी के साथ चहल ने वनडे में 100 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया। वो ये कमाल करने वाले 243वें भारतीय खिलाड़ी है। चहल को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव 34 और अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे दीपक हुड्डा 26 रन बनाकर नाबाद रहे। ईशान किशन ने 28 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 11 रन बनाए। विराट कोहली फिर फ्लॉप रहे और 8 रन ही बना सके। पहली 2 गेंदों पर चौका मारने के बाद विराट कोहली चौथी गेंद पर आउट हो गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में घरेलू धरती पर 5000 रन पूरे कर लिए। सचिन तेंदुलकर के बाद ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बल्लेबाज हैं।